तो ये है दमाम एयरपोर्ट और मैं आज आपको दिखाता हूँ कि दमाम एयरपोर्ट में लॉन्च आप एक्सेस कैसे करोगे और लॉन्च में क्या क्या फैसिलिटी है। तो जस्ट बी विथ मी, मैं आपको ले जा रहा हूँ लॉन्च की तरफ। और लॉन्च अक्सर आपको मिलेगा, आपको पार करना पड़ेगा सिक्योरिटी एरिया, यानी कि आप बोर्डिंग करोगे, बोर्डिंग करने के बाद सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी पार करने के बाद जो आपका वेटिंग एरिया होता है ना फ्लाइट में बैठने से पहले, वो एरिया तक आपको जाना पड़ेगा और उसी एरिया में आपको लॉन्जेस वगैरह मिलेगा। तो लॉन्जेस स्पेशली होता क्यों है ना कि अगर आप एयरपोर्ट पर यार आप काफ़ी वेटिंग टाइम है तो आप लॉन्च में बैठ सकते हो। लॉन्च फ्री भी होता है और चार्जेबल भी होता है। फ्री होने की कुछ कुछ वजह है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँगा। तो चलिए फ़िलहाल दमाम लॉन्च हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो फिलहाल ये मेरा डोमेस्टिक फ्लाइट है फ्रॉम दमाम टू जद्दा और मैं इधर आ गया हूँ। तो लेट्स फाइंड वेयर इज़ द डोमेस्टिक डिपार्चर। तो जब आप ये इंटर करोगे तो ये डिपार्चर वाले फ्लोर पर आ जाना, ये अपर फ्लोर में है। ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन चेक इन कर लिया है तो मैं डायरेक्ट अपना बोर्डिंग पास वहाँ पर दिखाते हुए आगे बढ़ लूँगा। तो ये आपका बोर्डिंग एरिया है और आगे जाकर आपको सिक्योरिटी एरिया मिलेगा, उसके बाद आपको लॉन्च मिलेगा। तो फिलहाल मैंने सिक्योरिटी एरिया पार कर लिया है। अब सिंपल सिक्योरिटी एरिया पार करने के बाद जब आप अंदर की तरफ आते हो तो जस्ट टेक लेफ्ट टर्न एंड कुछ दूर चलने के बाद आपको मिल जाएगा आपका लॉन्च कहाँ पर है। तो चलो देखते हैं कि लॉन्च कहाँ पर है और एक्सेस कैसे करना है। एक्चुअली मेरे पास स्काई प्रायोरिटी है सऊदी एयरलाइंस का, क्योंकि मैं एक तरह का फ्रिक्वेंट फ्लायर हूँ। अगर आप सऊदी एयरलाइंस में अगर साल में 20 फ्लाइट्स अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको सिल्वर मेंबरशिप मिलता है। सिल्वर मेंबरशिप अगर आपके पास है तो आपको एज ए बिजनेस पैसेंजर और फर्स्ट क्लास पैसेंजर ट्रीट किया जाता है, उनके लिए लॉन्चेस वगैरह फ्री होती है। और अगर आपके पास या तो बिजनेस या फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं है या फिर आपके पास स्काई प्रायोरिटी नहीं है सिल्वर या गोल्ड का, तो ऐसे केस में आपको पे करना पड़ेगा और ये चार्जेस अप्रॉक्स 150 रियाल होता है। मैं पहुंच गया हूँ, ये अलपुर सान लॉन्च है और सिंपली वहाँ रिसेप्शन पे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जाके आपको आपका बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा, जिससे वो एक्सेस आपको, मैंने एक्सेस ले लिया है। अब जब आप अंदर आओगे, यानी कि सिमिलर सेटअप हर जगह, चाहे आप रियाद में एक्सेस करो, चाहे आप जद्दा दमाम कहीं भी अगर आप अलफुलसान लॉन्च एक्सेस करते हैं तो अप्रॉक्स सेटअप आपको वैसा ही मिलता है। तो इस तरह का आप चेयर देख सकते हो, यानी कि आपके पास लॉन्च वेटिंग है तो आप यहाँ पर आके आराम कर सकते हो, लेट सकते हो, सो सकते हो और काफ़ी बेनिफिट्स हैं यहाँ पर। और चलो मैं आपको डाइनिंग एरिया पर लेकर जाता हूँ। तो अभी यहाँ का बज रहा है 2, तो प्रॉबेबली आपको मिलेगा लंच। तो लेट मी फाइंड अ चेयर, वेयर शुड आई टेक माय लंच। तो सो आई विल चूज दिस एरिया एंड आई विल टेक माय बैग हियर। तो फिलहाल आज का आइटम है, तो ये कुछ मीठी चीज़ है, आई थिंक दिस इज़ पास्ता, अ काइंड ऑफ पास्ता एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिश, आई थिंक दिस इज़ ग्रिल्ड चिकन एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ बिरयानी, कैन से इट्स कुलची। सो लेट मी फाइंड अ प्लेट फॉर मी, जस्ट यू कैन टेक द प्लेट एंड दिस इज़ लाइक अनलिमिटेड, यू कैन ईट हाउ मच यू कैन। सो लेट मी ट्राई दिस बिरयानी, सो आई विल टेक सम। Let's try some pasta. This kind of pasta, and this is also called the cheese pasta. ये स्वीट डिश है, इट्स कॉल्ड हुमाली। ये सऊदी अरेबियन का ट्रेडिशनल स्वीट डिश है, उसको मैं लास्ट में ट्राई करूँगा। एंड दिस इज राइस, इट्स
like the utensils pull out. Yeah, this is a fit. फिलहाल मैंने इसे यूज़ कर लिया है और मेरा फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है, तो अब मैं चलता हूँ वापस फ्लाइट की तरफ।